यहाँ पे मतलब हमारा लंच और ये ऐसे ऐसे कर रहा है स्पॉन्सर आज तो, बट स्टिल आई विल बी वेरी अपफ्रंट विद दैट कि यहाँ पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील होता है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग अभी टॉप क्वार्टाइल में नजर आ रहा है कंसिस्टेंटली, मतलब इंडेक्स फंड इज इन टॉप क्वार्टाइल. सो नॉर्मली वी व्हाट वी सजेस्ट कि आप एक मतलब फंड ये साल में सबसे ऊपर कौन सा है वो चूज नहीं करना चाहिए कंसिस्टेंटली. इफ दैट फंड इज इन टॉप क्वार्टाइल मतलब टॉप 25%, सो इट्स अ गुड फंड. सो इंडेक्स इज करेंटली कमिंग इन दैट. सो देर आर फंड्स की जो कभी कभी इंडेक्स को बीट कर रहे हैं, कभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. सो चांसेस ऑफ आउट परफॉर्मेंस इन इंडेक्स इन्वेस्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लग गया है लार्ज कैप साइड में, आई एम टॉकिंग अबाउट. सो लार्ज कैप में हाँ आपका बहुत पुराना कुछ इन्वेस्टमेंट चल रहा है, सो आई डोंट थिंक कि ज्यादा, बट लार्ज कैप के व्हाट आई एम फोर्सिंग कि एक्सपेंस रेशियोज आर गोइंग टू गो डाउन बिग टाइम इन कमिंग 1-3 ईयर्स. सो वो लार्ज कैप्स विल मैनेज लाइक इंडेक्स इन्वेस्टिंग ओनली, ऐसा ही होगा वो. देयर विल नॉट बी टू मच ऑफ डिफरेंस. इंटरेस्टिंग इंडेक्स भी है लाइक NB20 वगैरह इस टाइप के इंडेक्स, वो आपको देखना होगा वैसे. सो बट अगर आप इंडेक्स फंड के साथ जा रहे हो रादर देन ब्लू चिप फंड या कोई दूसरा लार्ज कैप फंड, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई डिफरेंस होगा. आई स्टिल फील स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इक्विटी एंड डेट, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आउट परफॉर्मेंस की, बट लार्ज कैप इज वन कैटेगरी जो कंसिस्टेंटली इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है.